बढ़ती महंगाई के खिलाफ आज कांग्रेस ने दिल्ली के जहांगीरपुरी से एक साइकिल यात्रा निकाली है। साइकिल यात्रा का नेतृत्व देवेंद्र यादव, जो कि CWC सदस्य एवं उत्तराखंड कांग्रेस के प्रभारी है। आपको बता दें कि देवेंद्र यादव बादली से पूर्व विधायक है, कांग्रेस के ये नेता है और ऑल इंडिया कांग्रेस के ये कमेटी के सदस्य है देवेंद्र यादव, और इनके नेतृत्व में आज जहांगीरपुरी से ये यात्रा शुरू की गई है। जहांगीरपुरी के ब्लॉक से ये यात्रा शुरू होकर मेट्रो पैलेस, फिर भलसवा डेयरी, गुज्जर चौक, यादव चौक, राजीव नगर ए ब्लॉक, उसके बाद सरदानंद एफ ब्लॉक, उसके बाद बजरंग चौक, बुराड़ी रोड से दत्ता मंदिर, उसके बाद राजीव गांधी रोड, स्वरूप नगर, लिबासपुर चौक और लेबर चौक, समयपुर मेन चौक, समयपुर, फिर समयपुर अंडरपास से होते हुए ये यात्रा रोहनी सेक्टर 18 के बाद सचदेवा स्कूल, उसके बाद अंबेडकर हॉस्पिटल से मंगोलपुर खुर्द डिस्ट्रिक्ट कार्यालय पर जाकर समापन होगा। इसका काफ़ी लंबी ये यात्रा है, कई विधानसभाओं को कवर करेगी। कांग्रेस की ये साइकिल यात्रा महंगाई के खिलाफ है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के खिलाफ है कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार यदि चाहें तो टैक्स की दरें कम करके पेट्रोल और डीजल के दरों को कम कर सकती है, और भी दूसरे खाद्य पदार्थों की भी महंगाई हुई है। उसी के मद्देनज़र ये साइकिल यात्रा देवेंद्र यादव के नेतृत्व में निकाली गई। आप देख सकते हैं ये भलसवा डेयरी का ये चौक पार करते हुए कितनी बड़ी संख्या में इनके साथ में कांग्रेस के कार्यकर्ता है, और ये महंगाई के खिलाफ अपना विरोध जता रहे हैं।